जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां हम डिफेंस सेक्टर से आई टॉप अपडेट के बारे में बात करते हैं, फिर चाहे वो भारत के हों या इंटरनेशनल मीडिया से। अपनी पहली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसने इस समय एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा के रख दी है डिफेंस के क्षेत्र में। और ये देश ऐसा है कि जिसके लिए अमेरिका और फ्रांस पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के सामने आए हैं। मकसद साफ है कि वो इस पर्टिकुलर देश को अपने हथियार बेचना चाहते हैं, जिनमें फाइटर जेट सबसे प्रमुख हैं। तो आइए जान लेते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया को लेकर के आपको पहले से भी हमने बताया है कि ये देश ऐसा है जो अपने फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर के लगातार इधर उधर शिफ्ट होता रहा है। आपको याद होगा आज से एक महीने पहले जो अपडेट आई थी उसमें यह बताया गया था कि इंडोनेशिया निर्विरोध रूप से राफेल जेट्स को अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। लेकिन अभी हाल ही में लास्ट वीक जब इंडोनेशियन मीडिया ने ये ऑफिशियल दावा किया कि F-16 के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर माइक केली के साथ उनकी ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई है, जहां पर अमेरिका ने इंडोनेशिया को F-16 ब्लॉक 70 और 72 जिसको हम वाइपर के नाम से जानते हैं वो ऑफर किया है। खास बात यह है इस ऑफर में कि इस एयरक्राफ्ट के साथ इनको अत्याधुनिक APG-83 ASR रडार और वेपन पैकेज भी ऑफर किए गए हैं, जिनकी मंजूरी अमेरिकी सरकार से मिल चुकी है। तो जब ये चीज़ उनके तरफ से बताई गई तो लोगों के मन में सवाल ये आया कि चल क्या रहा है, क्या इंडोनेशिया राफेल के लिए F-16 को छोड़ेगा या F-16 के लिए राफेल को छोड़ेगा, या वर्स्ट केस सिनेरियो देखें तो क्या ये दोनों लेंगे, क्या इनके पास इतने बजट हैं, और आखिरकार क्यों अमेरिका और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं इस डील को लेकर के। तो आइए बात कर लेते हैं। दरअसल ये जो बात थी ये तब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब लास्ट वीक यहाँ पे बताया गया कि राफेल जेट को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है आपस में इंडोनेशिया और फ्रांस की वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। यही नहीं, जो नेगोशिएशन फेज़ है वो भी लगभग समाप्त होने वाला है और एक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, जहाँ पर फ्रांस की तरफ से ये बताया जाएगा कि उन्होंने इंडोनेशिया के लिए राफेल जेट्स की जो डील है उसको हरी झंडी दे दी है। और बताया तो यहाँ तक गया कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे अपने कदम बढ़ा चुकी है और सिर्फ अब इस डील को फाइनेंस होना बाकी है। उसके बाद राफेल जेट इंडोनेशिया के लिए तैयार किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन इस चीज़ पे बवाल तब बढ़ा जब वहाँ इंडोनेशिया के एयर चीफ मार्शल यूयू सक्सेना ने ये कहा कि वो अपने F-16 फाइटर जेट्स पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उनका मानना है कि F-16 को इंडोनेशिया 1990 के दशक से यूज़ कर रहा है और मौजूदा समय में 33 F-16 फाइटर जेट्स हैं जो उनकी वायुसेना में कार्यरत हैं। हालांकि ये थोड़े पुराने हैं और इसलिए इनको रिप्लेस करने का समय अब आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग मत इंडोनेशियन एयरफोर्स में है। कुछ ऑफिशियल्स का ये मानना है कि अब इन जेट्स को रिप्लेस करके राफेल को अपना टॉप लाइन फाइटर जेट बनाना चाहिए। वहीं एयर चीफ मार्शल की जो सोच है इसके उलट है। उन्होंने बताया कि 2019 में हमने ये अनाउंस किया था कि हम F-16 की दो स्क्वाड्रन्स को खरीदेंगे जो कि अपने पुराने जो वेरिएंट्स हैं इनके सक्सेसर होंगे। यानी 2020 से 24 के बीच में जो डील है वो साइन की जानी तय हुई थी, जहां पर इंडोनेशिया का प्लान ये था कि वो ब्लॉक 72 वाइपर को खरीदेंगे। इसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई कि इंडोनेशिया काफ़ी लंबे समय से F-16 को ऑपरेट करता है, तो ऐसे में अगर ब्लॉक 70 आता है या इसके अपग्रेड्स की बात भी होती है तो उनको इसके लिए जो अतिरिक्त पैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसकी मेंटेनेंस में और इसके वेपन पैकेज में वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और जहां बात शिफ्टिंग की आती है तो F-16 के पुराने वेरिएंट से वाइपर को अडॉप्ट करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, काफ़ी सिंपल होगा और एक कॉस्ट इफेक्टिव मेजर भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम इसको छोड़ करके राफेल पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए जो एयरक्राफ्ट का सपोर्ट इकोसिस्टम है वो डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि राफेल दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में शुमार हैं। इसलिए इनके इकोसिस्टम को डेवलप करना इंडोनेशिया के लिए एक टेढ़ी खीर होने वाला है। उन्होंने कहा हम ये नहीं कहते कि राफेल बुरे जेट हैं, लेकिन इनकी देखभाल कर पाना अभी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को और मेंटेनेंस को ध्यान में रख करके हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ से मना नहीं करते कि F-16 को राफेल रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक खास चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अमेरिका ने सिर्फ इंडोनेशिया नहीं बल्कि ग्रीस के साथ साथ और भी दूसरे देश हैं जहां पर ये ऑफ़र दिया है कि वो अपने पुराने F-16s को वाइपर स्टैंडर्ड से अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर के अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि बात की जाए राफेल परचेज की तो भारत के ख़रीदने के बाद
बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने राफेल जेट पे अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अब देखना यह है कि इंडोनेशिया को पहले कौन सा जेट मिलता है, क्या वो F-16 वाइपर होगा या फिर राफेल, ये हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अपने दूसरी अपडेट में हम बात करने वाले हैं राफेल F-4 स्टैंडर्ड के बारे में। आपको पता होगा कि अभी लास्ट वीक एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर फ्रांस की तरफ से ये दावा किया गया था कि उन्होंने अप्रैल महीने में राफेल F-4 स्टैंडर्ड जेट्स का ट्रायल शुरू कर दिया है और आने वाले समय में उसके कुछ और सक्सेसिव ट्रायल्स होंगे और उसके बाद इसे फ्रांस के एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। तो F-4 स्टैंडर्ड को लेकर के कुछ ज़रूरी बातें और कुछ डिटेल्स सामने आई हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि आखिरकार भारत को जो F-3R स्टैंडर्ड ऑफर किए गए हैं वो कितने सिमिलर हैं F-4 स्टैंडर्ड से। क्योंकि आपको पता होगा F-4 स्टैंडर्ड के ऑफ़र भारत को भी किए गए हैं और उसके बाद तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अपने अलग अलग जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए हैं। कुछ के नज़रिए में F-3R और F-4 स्टैंडर्ड काफ़ी सिमिलर हैं तो कुछ के नज़रिए में F-4 स्टैंडर्ड काफ़ी अलग हैं। तो आइए जानते हैं कि F-3R और F-4 स्टैंडर्ड में क्या चीज़ें आपको अलग देखने को मिल सकती हैं और भारत के लिए कितने किफ़ायती हैं। दोस्तों F-3R स्टैंडर्ड की पहले हम बात करें भारत की, तो ये फ्रांस में भी बने फाइटर जेट से या जिस देश को फ्रांस ने राफेल अभी तक डिलीवर किए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हैं। क्योंकि ये आम राफेल जेट नहीं है, F-3R स्टैंडर्ड जो भारत को मिले हैं उसमें भारत ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशंस करवाई हैं। क्योंकि आपको पता होगा भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे हाई एल्टीट्यूड पे भी लड़ता है और रेगिस्तान की वॉरफेयर भारत कर चुका है, इसलिए भारत को एक ऐसा जेट चाहिए था जो समतल ज़मीन के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी अच्छे से स्ट्राइक को परफॉर्म कर सके। और इसी को देखते हुए भारत ने राफेल जेट में अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई हैं। लेकिन ये कह देना कि F-3R स्टैंडर्ड राफेल F-4 के समतुल्य है तो ये गलत होगा। दरअसल F-4 स्टैंडर्ड में कुछ व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहली बात कि राफेल F-4 स्टैंडर्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बड़ा किरदार दिया गया है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि ये जो आने वाला समय है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा और इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण अभी आपको हमास और इसराइल के बीच में जो युद्ध देखने को मिला उसमें प्रमाण मिल गया कि आयरन डोम ने किस प्रकार इसराइल की सुरक्षा की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राफेल F-4 स्टैंडर्ड का एक प्रमुख अंग होगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पायलट के जो काम हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान किए जाएंगे। वहीं दूसरी बड़ी चीज़ होगी F-3R स्टैंडर्ड और F-4 स्टैंडर्ड के बीच में, वह है इनका रेडार। इसके रेडार में भी कुछ व्यापक चेंजेस किए गए हैं जिसके बाद इनकी डिटेक्शन रेंज और इनकी ताकत भी कई गुना बढ़ चुकी है। F-4 स्टैंडर्ड में F-3R स्टैंडर्ड के मुकाबले इम्प्रूव इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसकी मनूवरबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा और एक अच्छे थ्रस्ट के साथ ये इंजन आएगा। उसके बाद एक बड़ा चेंज जो किया गया वो है इसके टारगेटिंग पॉड्स में। दरअसल F-4 स्टैंडर्ड में आपको टेलियोस लेजर टारगेटिंग पॉड देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा आधुनिक है और ये कलर पिक्चर ज़मीन की दिखा सकता है, जहाँ पे ना सिर्फ, अभी आपको बता दें कि जो पहले के टारगेटिंग पॉड्स होते थे उसमें पायलट को इंफ्रारेड इमेजेस देखने को मिलती थी, लेकिन इस पॉड में कलर्ड इमेज पायलट को देखने को मिलेंगी जहाँ पे टारगेट को आइडेंटिफाई करना उनके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर इसके स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो इसमें एडवांस मीका मिसाइल और मेटियोर मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वेरियंट को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। इसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि लेज़र वेपन्स को भी इसमें जगह मिल सकती है, लेकिन लेज़र वेपन्स को लेकर के अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इसमें एक खास चीज़ और ऐड की गई है, वो इसका नया हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। जी हाँ, F-4 स्टैंडर्ड में नया हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि पायलट के काम को आसान करेगा और उसके सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो ये कुछ बड़े डिफरेंस थे जो F-4 और F-3R में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि भारत को ये ऑफर किए गए हैं लेकिन भारत इसको लेगा नहीं लेगा ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।